यूके राइडर भाई, जो तू इस देश के लिए कर गया ना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, UK07 राइडर बिग बॉस घर से इवेक्टेड हो चुके हैं, जिसके बाद एलविश यादव ने बिग बॉस के ऊपर गुस्सा दिखाते हुए उनके ऊपर ट्वीट भी किया था। सो गाइस, इसी चीज के बारे में एलविश यादव ने अपने आज के व्लॉग में भी बातें की, जहां पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे थे। और बिग बॉस के इस वाले डिसीजन से कोई भी खुश नहीं है, और इस बात का बिग बॉस वालों को अच्छे से पता था कि वोटिंग के मामले में UK07 राइडर को घर से निकालना इम्पॉसिबल है। सो गाइस, इन्हीं सभी चीजों को लेकर और बाबू भैया को सपोर्ट करते हुए एलविश यादव ने क्या कहा अपने ब्लॉग के अंदर, आप लोग खुद देखिए। बट जो भी एविक्शन हुआ है भाई, वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। उससे अनुराग भाई का तो छोड़ो, बिग बॉस का ज़्यादा नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि जो भी भाई की तरफ से थी, लोग देखते थे अनुराग को, तो देखना चाहते थे कि भाई हम अनुराग भाई हैं अंदर, इसलिए देखें, तो वो वाली ऑडियंस कट गई। जो बिल्कुल ही कट्टरी वो थे फैंस बिल्कुल, कि भाई अनुराग भाई है तो बिग बॉस देखेंगे, वो उन्होंने काट दी। पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा था, बट मेरे को शुरू से इंटेंशन थी ऐसी, इंट्यूशन थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि जब पिछली बार ईशा को बुलाया था उसके लिए कि सबसे ज़्यादा रूल्स किसने तोड़े, तो इनके मन में ये था कि अनुराग को तो हमें निकालना ही है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। अनुराग भाई को अभी बाहर आने दो ढंग से, तो मैं उनसे पूछूंगा। बट मेरे पास जो खबर आई ये कि अनुराग भाई हो गए। एंड ऑल्सो गाइस, यहाँ पर पुनीत सुपरस्टार भी बिग बॉस के इस वाले डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और उन्होंने भी बाबू भैया को सपोर्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड की है। राइडर भाई, जो तू इस देश के लिए कर गया ना, वो दुनिया का कोई भी बेटा या कोई भी भाई या फिर कोई भी क्रिएटर नहीं कर सकता। मेरे भाई, सल्यूट है तुझे, जय हिंद मेरे भाई। और इस बार का शो तू ही जीतेगा मेरे भाई, तू ही जीतेगा। ओके, इस बिग बॉस वालों ने UK07 राइडर को घर से निकालकर सही किया ये गलत किया, अपने पे नीचे कमेंट कर जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही अपडेट था, जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।